परम मन की एक अवस्था है जो बहुत से लोग अपने जीवन के किसी बिंदु पर अनुभव करते हैं। यह खोने, अनिश्चित होने और न जाने क्या करना है की भावना है। कई तरह की स्थितियों से भ्रम पैदा हो सकता है, जैसे जीवन में बड़ा बदलाव, मुश्किल फैसला या जानकारी की कमी। इस कहानी में हम भ्रम के अनुभव और इसे कैसे नेविगेट करें, इसका पता लगाएंगे। गर्मी का दिन था और जेन ने सेमेस्टर के लिए अपनी अंतिम परीक्षा अभी समाप्त की थी। वो अपने प्रदर्शन के बारे में अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह परीक्षा हॉल से बाहर निकली, उसे बेचैनी महसूस होने लगी। जो बात उसे परेशान कर रही थी, उस पर वह पूरी तरह से अपनी उंगली नहीं डाल सकती थी, लेकिन उसे एक सताहट महसूस हो रही थी कि कुछ ठीक नहीं था। जेन पिछले कुछ महीनों से अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने यह सोचने का समय ही नहीं निकाला कि वह ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहती है। उसने हमेशा सोचा था कि वह ग्रेजुएट स्कूल जाएगी, लेकिन अब जब निर्णय लेने का समय आ गया था तो वह इतनी निश्चित नहीं थी कि अगर उसे स्वीकार नहीं किया गया तो क्या होगा। वह नौकरी की तलाश शुरू कर सकती थी, लेकिन क्या होगा अगर उसे अपने क्षेत्र में नौकरी नहीं मिली। वह एक साल का गैप ले सकती थी, लेकिन उस दौरान वह क्या करती। जितना अधिक जेन ने अपने विकल्पों के बारे में सोचा, वह उतनी ही अधिक भ्रमित हो गई। उसे लगा जैसे वह अनिश्चितता के समुद्र में डूब रही है और वह नहीं जानती कि सतह पर कैसे तैरना है। जेन जानती थी कि उसे अपनी दुर्दशा के बारे में किसी से बात करने की जरूरत है, इसलिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त सारा को फोन किया। जब जेन ने अपनी स्थिति के बारे में बताया तो सारा ने धैर्य से सुना और फिर कुछ समझदार सलाह दी। जेन, भ्रमित होना ठीक है। आपको अभी सब कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है। अपने विकल्पों का पता लगाने के लिए कुछ समय लें और पता करें कि आपके लिए क्या सही है। अपने क्षेत्र के लोगों से बात करें, कुछ शोध करें और अपनी प्रकृति पर विश्वास रखें। सारा के ज्ञान के शब्द जेन के साथ प्रतिध्वनित हुए और वह राहत की भावना महसूस करने लगी। उसने महसूस किया कि सभी उत्तरों का न होना ठीक था और भ्रमित होना सामान्य बात थी। अगले कुछ हफ्तों में जेन ने वही किया जो सारा ने सुझाया था। उसने अपने प्रोफेसरों से बात की, अपने क्षेत्र के पूर्व छात्रों से संपर्क किया और ऑनलाइन कुछ शोध किया। उसने कुछ आत्मा खोज करने के लिए भी कुछ समय लिया और यह पता लगाया कि वास्तव में उसके लिए क्या महत्वपूर्ण था। आखिरकार जेन को भ्रम के समुद्र से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। उसने महसूस किया कि ग्रेजुएट स्कूल उसके लिए सही विकल्प था और उसे एक ऐसे कार्यक्रम में स्वीकार कर लिया गया जो उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अपने अनुभव पर पीछे मुड़कर देखते हुए जेन ने महसूस किया कि उनकी यात्रा में भ्रम एक आवश्यक कदम था। इसने उसे एक कदम पीछे हटने और अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया और इसने अंततः उसे सही निर्णय पर पहुंचाया। अंत में, भ्रम जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह असहज और परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन यह विकास और आत्मखोज का अवसर भी हो सकता है। यदि आप भ्रमित महसूस कर रहे हैं तो सहायता के लिए मित्रों, परिवार या किसी पेशेवर से संपर्क करने से न डरें। और याद रखें, सभी उत्तरों का न होना ठीक है। अपने विकल्पों का पता लगाने के लिए कुछ समय लें, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और आप भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे।